दिनेश। बिल्कुल प्रभाकर मिश्रा, आप सही कह रहे हैं कि ये जो फ्री के जो ऑफर होते हैं, चाहे हम शॉपिंग करने जाएं या फिर चुनावी वादे जो फ्री के किए जा रहे हैं, वो आकर्षित तो करते हैं, लेकिन क्या ये नौजवानों को अपने पैर पर स्टैंड होने देंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुन लीजिए। युवा योगा युग योजना के तहत स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे, उस बात का प्रावधान किया। उसी तरीके से हमारे 400 गवर्नमेंट स्कूल्स को पीएम श्री के तहत और विद्या ज्योति स्कीम के तहत 2000 करोड़ रुपए की लागत खर्च करके इन स्कूलों को मॉडर्नाइज स्कूल बनाया जाएगा, स्मार्ट स्कूल बनाया जाएगा। इसके लिए हमने कहा था स्मार्टफोन्स देंगे, हजारों की संख्या में स्मार्टफोन्स हमारे ग्रेजुएट स्कूल्स को दिया गया, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इस बात को हम याद करें, वोट बैंक की राजनीति ने देश के सामर्थ्यों को कभी कभी बहुत बड़ा गहरा धक्का पहुंचाया है और उसी का परिणाम है कि देश में जो होना चाहिए, जो समय पे होना चाहिए था, उसमें काफी देर हो गई। कुछ लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ तबाह करने पर लगे हुए हैं, अपने लिए अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। मोदी तो 25 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य है। 25 लाख का बीमा दुनिया के मुल्कों में कहीं पे भी ऐसी योजना नहीं होगी जो राजस्थान सरकार ने बनाई है। आपको हम सबको घर होना चाहिए। 25 लाख कोई गरीब आदमी जो हो सकता बगैर के मकान में नहीं हो खुद का, उसको लग जाए भाई कि अगर बीमार पड़ गया मैं तो सरकार मेरी जिम्मेदारी फिर हेल्थ की नहीं, टैक्स की छूट दी, वो तो 1700 के आसपास दी, 1700 करोड़ के आसपास छूट दी टैक्स में। अभी